भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले टेस्ट मैच में आमने सामने है। आज मुकाबले का चौथा दिन है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 323 रन का लक्ष्य दिया है। चौथे दिन भारतीय टीम 307 रन बनाकर ढेर हो गई। चेतेश्वर पुजारा 71 रन और अजिंक्य रहाणे 70 रन की अर्धशतकीय पारियों के दम पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरी पारी में 307 रन का स्कोर खड़ा किया है। इस पारी में ऑस्ट्रेलिया के लिए स्पिनर नाथन लॉयन ने सबसे ज़्यादा विकेट चटकाए। उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट हासिल किए। इसके अलावा मिशेल स्टॉक ने 3 और जो शेजलवुड ने 1 विकेट अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से दूसरी पारी की शुरुआत एरॉन फिंच और मार्क सेरिस ने की। आपको बता दें, तीसरे दिन मैच पर भारत की पकड़ मजबूत रही, लेकिन चौथे दिन टीम लड़खड़ा गई। भारत की खस्ता हालत का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि उसने 5 विकेट महज 25 रन बनाने के दौरान ही खो दिए। भारत को चौथे दिन बल्लेबाजों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन नियमित अंतराल पर विकेट गिरने से टीम 350 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। कप्तान विराट कोहली एक बार फिर जल्दी आउट हो गए। वहीं पहली पारी के शतकवीर पुजारा के दम पर भारत ने तीसरे दिन 166 रन की बढ़त बनाई। कोहली और पुजारा ने तीसरे विकेट के लिए 71 रन की साझेदारी की। स्पिनर नाथन लॉयन ने कोहली को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ा। कोहली ने 104 गेंदों का सामना करके 34 रन बनाए। दूसरी पारी में कोहली ने एक रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। वे ऑस्ट्रेलिया में 1000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए। इस फहरिस्त में सचिन तेंदुलकर, बीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गजों का नाम पहले से ही शामिल है।